महिला विकास स्वयं रोजगार बहुद्देशीय संस्था द्वारा पिछले 15 दिनों से मरीज नगर में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड एम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया, जिसका जायजा बीसीएन की टीम ने लिया है। बीते 15 दिनों से महिला विकास स्वयं रोजगार बहुद्देशीय संस्था द्वारा मनीष नगर में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड एम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जिनका लॉकडाउन के चलते कारोबार ठप पड़ गया है, जिसके चलते छोटे दुकानदारों को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। वही लॉकडाउन के कारण बहुत महीनों से लोग घरों में है, जिसके कारण उन्हें बोरियत हो रही थी और उस बोरियत का निवारण करने के लिए यह एक्सपो एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, ऐसा खुद ग्राहकों का कहना है। इस एक्सपो में किस तरीके से सारी चीजों का आयोजन किया गया है, उसका जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। महिला विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एंड शॉपिंग एक्सपो का आयोजन मनीष नगर में पिछले 15 दिनों से किया गया है। इसी चीज का हम आज यहाँ पे जायजा लेने आएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सारी फैसिलिटी शुरू है, ग्राहक किस तरीके से आ रहे हैं, साथ ही व्यापारियों को यहाँ पे किस तरीके से मुनाफा हो रहा है। कस्टमर भी सब बढ़िया आ रहे हैं, लोग भी अच्छे हैं, थोड़ा काम धंधा हल्का चल रहा है और पब्लिक भी थोड़ी हल्की फुल्की कम आपको दिख रही नहीं, कभी कभी आती ज्यादा नहीं आती पब्लिक का। वो सैनिटाइजर है वो सब रखा हुआ अभी तो दुकान पे है सब कुछ, बाकी तो सैनिटाइजर करके सब अंदर के एंट्री गेट पे तो आपने देखा ही होगा, सब चेक करके भेज रहे हैं। बाकी जितने दुकानदार है सबको सैनिटाइजर डेली कर देती मैडम लोग। 15 दिन से ये मेला चालू है, 15 तारीख से धीरे धीरे करके पब्लिक यानी बढ़ ही रही है। 26 जनवरी को अच्छा रिस्पॉन्स था और ऐसे अभी अरे थोड़ा कम कम होते पब्लिक कम हो रही है। सैटरडे संडे तो अच्छी पब्लिक रहती है, बाकी के दिन में थोड़ा यानी नॉर्मल कम कम ही रहती है, ऐसा रहता है। हाँ रे, अभी कोरोना के बाद जो पब्लिक आ रही है, जैसे पहले कैसे कोरोना के पहले पब्लिक आती थी, अभी उनके मन में कोई डर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और पब्लिक जैसे अंदर एंट्री करती है तो हाथ में सैनिटाइजर दिया जाता है और उनके यानी मास्क का ध्यान रखा जाता है कि सभी ने मास्क पहनना चाहिए, बच्चे और बड़े सभी का। प्रिकॉशन बहुत अच्छे किए थे, स्टार्टिंग में टिकट वगैरह होने के बाद सैनिटाइजर दिया, फिर एंट्री करते वक्त बहुत अच्छे झूले वगैरह थे वहाँ पर और मस्त अच्छी सी अच्छी शॉपिंग की हमने, और मीन्स सीधा कपड़े वगैरह लिपस्टिक्स वगैरह सब कुछ अच्छे है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गेट के सामने हमको सैनिटाइजर मिला, हमको थोड़ा स्टार्टिंग में डर लगा लेकिन फिर अंदर आने के बाद सब मटेरियल देखने के बाद परचेसिंग करने की इतनी इच्छा हुई कि कोरोना को ही भूल गए हम लोग और मैं यहाँ से ठीक है, सभी मटेरियल अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, खिलौने अच्छे हैं, बच्चे झूले झूला झूले और ठीक है, सभी ठीक है। फाइनेंशियली तो बहुत हेल्प किया है और लोग भी अभी बहुत बाहर आ रहे हैं क्योंकि अभी कपड़ा तो ऐसी चीज है ना, तो खरीदना ही है उनको। स्टार्टिंग में धीरे धीरे कम आ रहे थे कस्टमर, एकदम अभी बढ़ते गए, सैटरडे संडे और ज़्यादा आते हैं। हाँ हाँ, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ तो दो बच्चों के साथ आई हूँ, पति के साथ आई हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे शॉपिंग तो कुछ नहीं किया, देख ही रहे अभी सब, हमको खेलने में इंटरेस्ट है, शॉपिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है। एक तो कोरोना की वजह से बच्चे काफ़ी बोर हो गए थे घर पर और लोकल एरिया में ये छोटी सी जगह पे बहुत अच्छा एडजस्ट किया हुआ है एग्जीबिशन, और बच्चे और बड़े और लेडीज सभी का इंजॉयमेंट हो सके इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में गेट पे भी उनका सैनिटाइजर से लेके मास्क सभी चीज़ों के लिए प्रिकॉशन ली जा रही है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो कोरोना से बच्चे वगैरह उग गए थे उसके हिसाब से लोकल लेवल पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। अच्छा लगा मेले में आके थोड़ा सा, अभी हम घर में थे, बच्चे भी पूरे 10 महीने तक घर में ही रहे तो पूरा ये बोर लगा उनको, स्कूल चालू नहीं है नहीं, अभी थोड़े प्रिकॉशन लेके हम यहाँ आए हैं, सैनिटाइजर वगैरह हम अपने साथ लाए हैं, बच्चों को जहाँ छूते हैं वह सैनिटाइजर करते हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। प्रिकॉशन हम खुद भी सेफ्टी कर रहे हैं और बच्चों के लिए मास्क सैनिटाइजर और यानी कोई चीज़ों को हाथ नहीं ज़्यादा लगाने नहीं दे रहे और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको बड़ा सेफली यूज़ कर रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे एम्यूजमेंट की चीज़ें हैं और बहुत सारे जैसे मीन्स चीज़ें जो मार्केट में बहुत रेट पे मिलती हैं यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत पब्लिक भी है यहाँ पे और जो कोरोना के टाइम में जो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वगैरह पहनना है सब लोग यहाँ पे योग कर रहे हैं।
थैंक यू। जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अभी हमें कुछ फ्री टाइम के लिए एंजॉयमेंट किया है। सेफ्टी के लिए सारे सेफ्टी जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे फायर के लिए है, गेट ओपन रखे है, सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है। अच्छा है, अभी 6-7 महीने से जिस तरह से हम थोड़ा सा एक डर, मतलब कोरोना को लेकर डर रहे थे, थोड़ा सा माहौल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, बाहर घूमने का, बाहर खाने का पीने का, ये सारी चीज़ें अभी वापस आ रही। नमस्कार, ये जो आयोजन किया गया है मेला, ये COVID-19 के बाद पहली बार लगा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा झूला लगा है हमने इस मनीष नगर में। और यहाँ पर ब्रेक डांस है, अपना टोरा टोरा है, बच्चों के लिए जंपिंग है, और भी बहुत सारे मनोरंजन है जो लोगों की सुविधा के हिसाब से लगाए गए हैं। और यहाँ पर हर एक लोग आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर आपसे भी अपील है कि आप लोग आए। नाम मोनिका चौधरी है, मैं दिल्ली से हूँ, एज ए डांसर मेरा लाइन में काम करती हूँ। और मुझे 11 महीने हो गए मैं घर में बैठी हूँ, इन लोगों ने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई, मुझे खुशी हुई कि चलो मुझे काम करने का मौका मिलेगा, दो पैसे कमाऊँगी तो घर का खर्चा चलाऊँगी। तो मुझे मैडम ने कॉल किया कि मोनिका आप इधर आ जाइए, इधर थोड़ा बहुत डांस करिए, अपने से जो बनेगा हम देंगे। तो मैं उसी बेस पे इधर काम करने के लिए आई हूँ, लेकिन 11 महीने से बहुत परेशान हूँ। मेंटेलिटी प्रॉब्लम इतनी है कि घर के खर्चे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है घर की जो नहीं हो पा रही थी 11 महीने से, हमें बहुत परेशान थी। अभी आके कुछ ऐसा लगा कि हाँ चलो, कुछ आशा हुई कि हाँ अभी चालू हो गया तो काम मिलता रहेगा मुझे। महिला विकास बहुउद्देश्य संस्था द्वारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एंड फैशन एक्सपो, इसका यहाँ पे आयोजन किया गया है। पिछले 15 दिनों से ये मेला यहाँ पे आयोजित किया गया है मनीष नगर में। और हमने आज यहाँ पे जाना कि किस तरीके से ग्राहकों का प्रतिसाद यहाँ पे मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे व्यापारियों को किस तरीके से फायदा मिला है। जहाँ हमने जाना कि ग्राहकों का भी अच्छा खासा प्रतिसाद पिछले 15 दिनों में मिला है, साथ ही जो व्यापारी है उनको ग्राहकों की वजह से बहुत ही अच्छी खासी फाइनेंशियल हेल्प भी यहाँ पे हुई है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ मैं दिशा हटवार, BCN News नागपुर।